जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं, घर घर में उनका स्वागत किया जाएगा। विद्या के दाता कहलाते हैं, बुद्धि देते हैं और बच्चों के तो सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं, इसीलिए तो उनको गन्नू फ्रेंड के नाम से भी जाना जाता है और बच्चों को वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आज का एपिसोड गणपति जी के कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से बच्चों की बुद्धि बढ़े और साथ में उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, उनके जीवन में हमेशा सफलता बनी रहे, बस इसी प्रयास के साथ आज मैं आपके साथ आई हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ बच्चों के सफलता के लिए। गणेश जी की स्थापना घर घर में की जाएगी। अगर आप लगातार गणपति जी को अपने बच्चे के हाथ से 11 दिन पान के पत्ते के ऊपर पीला वाला सिंदूर रखकर चढ़वाते हैं तो ऐसा करने से बच्चे जिद्दी नहीं होते, उनके जीवन की सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। कुंडली के अंदर अगर सूर्य और बुध की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो बच्चे हमेशा भटकते रहेंगे। मंगल सूर्य साथ में होंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, क्रोधी होंगे। अगर बुध और मंगल साथ होंगे तो ऐसा बच्चा जिद बहुत करेगा और गलत चीज़ों की जिद के पीछे वो अपना और अपने माँ बाप का समय बर्बाद करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बाबा के मंदिर में जाकर 5 इलायची आपको पान के पत्ते के ऊपर रख कर गणेश जी को चढ़वा देनी है। एक आपको घी का दीपक जलवाना है और वहीं खड़े होकर कपूर के साथ आपको गणपति जी की आरती करनी है। छोटे छोटे से उपाय हैं, करके देखिए, बच्चों के जीवन में इससे बहुत प्रगति आएगी। जब बच्चे अपने जीवन में बहुत कड़े प्रयास करें और उन्हें सफलता प्राप्त ना हो, तब उस स्थिति और परिस्थिति के अंदर आपको गणपति जी को नियमित रूप से लड्डू का भोग लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें अगर आप 2 लौंग लगा देंगे तो इससे आपका कार्य और ज़्यादा सफल हो जाएगा। बच्चे जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों के पेन में हम चार्ज कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा इस पर वीडियो बनाइए, हमें कुछ बताइए। चलिए जी, आज मैं आपको बताती हूँ। अब आपके पास मौका है 11 दिन का। इन 11 दिनों में लगातार 3 दिन गणेश जी के सामने अपने बच्चे के पेन रख दीजिए। अगर आप चाहें तो 10-12 पेन एक साथ लेकर रख दीजिए, या बच्चा पेंसिल यूज़ करता है तो पेंसिल रख दीजिए। पीले कपड़े के ऊपर आपको ये रख देना है। इसके ऊपर आपको एक मोर पंख रखना है और उसके ऊपर आपको हल्दी की 2 गांठें रख देनी है। नित नियम से आपको सुबह शाम घी का दीपक जलाना है और वहीं पर बैठकर आपको 108 बार ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। 4 दिन के बाद आपको ये पेन उसी पीले कपड़े में बांधकर मोर पंख के साथ अपने बच्चे के पास रख देना या अपने पास संभाल कर रख देना है। जो हल्दी की 2 गांठ आपने रखी थी उन्हें आपको ले जाकर गणपति जी के मंदिर में चढ़ा देना है। जब आपका बच्चा एग्ज़ाम के लिए जाएगा तो आप वो पेन निकालेंगे, अपने दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और 11 बार बोलेंगे गम, और उसके बाद उस पेन को अपने बच्चे को दे देंगे और उससे कहेंगे कि वो अच्छे से एग्ज़ाम करके आए, क्योंकि गन्नू बाबू उसके साथ साथ जा रहे हैं। तो देखा कितना सरल होता है ईश्वर से अपने बच्चों के लिए सुख समृद्धि मांग लेना। बस थोड़ा सा प्रयास, छोटे छोटे से उपाय और बच्चों का जीवन सुधर जाता है। मैं फिर कुछ ऐसे अच्छे और सटीक उपाय लेकर आपके साथ आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। Yeah.
सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए माँ त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। माँ त्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही हैं। आप अपनी सारथी माँ त्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishla.com पर या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जुड़े और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।